नमस्कार साथियों, आज मैं ये बताने वाला हूँ कि क्या बीजेपी मुस्लिम लोगों से डर गए हैं? क्या अब बीजेपी, जिसका हिंदुत्व हथियार था, सनातन के प्रति बहुत कार्य करने का लोगों ने सोच रखा था कि बीजेपी ही बहुत कुछ करेगी, हिंदू धर्म के मतलब सबसे बड़े रक्षक या फिर हितैषी के रूप में बीजेपी को देखा जाता था। तो अब क्या हुआ उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा और कुछ सच्चाई भी बताना चाहूँगा जो हम लोग किसी भी पार्टी से रखते हैं, उम्मीद रख लेते हैं या फिर सपने सजो लेते हैं, कोई भी व्यक्ति हो। तो साथियों, सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि दुनिया में कोई भी पार्टी हो, एक्सेप्शनल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी आपके भारत में पार्टी हो, सभी पार्टी का सबसे मेन लक्ष्य जो होता है वो होता है वोट लेना। कितना भी वो अपने आप को ईमानदार साबित करे, कितना भी अपने को देश हित का, देशभक्त अपने आप को घोषित कर दे, कितना भी किसी जो कैटेगरी वाइज जाति करते हैं, कोई जात पात का बात करते हैं, जैसे कोई कितना भी यादव का समर्थक अपने आप को बोले, कोई पार्टी कितना भी जय भीम जय मीम का बात करे, या फिर कोई पार्टी कितना ही हिंदू मुस्लिम करे, मतलब मुसलमानों का अपना सबसे बड़ा हितैषी बताए, वो सभी पार्टी का सबसे बड़ा हथियार होता है वोट बैंक। वो वोट बैंक के कारण ही कुछ भी करता है, देश हित में नहीं, ना ही किसी जात या धर्म के हित में। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले आप सभी देख सकते हैं कि बीजेपी का ही बात करते हैं, वो अपने आप को हिंदू के सबसे बड़ा हितैषी अपने आप को बोलती थी और हर एक मुद्दा हिंदुत्व पर आती तो सबसे आगे खड़ी हो जाती। और तो और कहा जाता था कि राम मंदिर का फैसला बीजेपी ने ही करवाया, फिर बोला जाने लगा कि 370 जो हटा वो बहुत बड़ा बीजेपी ने काम कर दिया, देश हित में बहुत बड़ा काम कर दिया। फिर हुआ पता चला कि नोटबंदी बंद किया गया तो इससे पैसे से काला धन वापस आएंगे इस प्रक्रिया से, ये सभी किया गया। और हिंदू के हित में बात करो तो जैसे काशी का कॉरिडोर, भव्य कॉरिडोर बना, जो भगवान शिव जी की नगरी होती है काशी, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, सच्चाई बताऊंगा। तो साथियों, मैंने जो बताया कि सबसे बड़ा किसी भी पार्टी का मेन लक्ष्य होता है वोट को पाना, लोगों को मूर्ख बनाना और वोट को पाना, ठीक है? मतलब कोई अच्छा कार्य भी करता है तो यह देख के करता है कि इससे हमारा वोट बनेगा या नहीं, ठीक है? और कोई नेता को देखते होंगे कि हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हुए, तो वो भी अपने, जैसे कोई एक है अकबरुद्दीन ओवैसी, ठीक है, असुद्दीन ओवैसी का भाई है, तो हिंदू मुसलमान हिंदू देवी देवताओं को गाली देता था। क्यों देता है? तो वो भी इसलिए देता है ताकि वो मुसलमान के एक पक्ष को खुश कर दे और फिर वोट बैंक अपना बना ले, ठीक है? अब यही सब जैसे मुसलमानों में हुआ, यही चीज़ हिंदुओं में भी होता है। हिंदुओं में बीजेपी अपने आप को बोली कि राम मंदिर का फैसला हम ना होते तो राम जी का मतलब मंदिर बनता ही नहीं, लेकिन ये श्रद्धा अनुचित है। और कांग्रेस राम मंदिर का फैसला इसलिए नहीं आने देती थी क्योंकि वो इस फैसला आने से लगभग, यहाँ पे फैसला ऑलरेडी सभी को पता था कि वहाँ पे मंदिर थी और मंदिर के बनने के हित में ही फैसला आएगा, तो कांग्रेस इसलिए फैसला नहीं आने देती थी क्योंकि वो इससे मुसलमान लोग नाराज हो जाते, क्योंकि कांग्रेस का मुस्लिम वोट को खुश करना एक बहुत बड़ा उसके जिम्मेवारी थी कि मुसलमान इससे दुखी हो जाएंगे कि मंदिर कैसे बन गया। तो कांग्रेस मुसलमान के हित में काम करती थी,
बीजेपी मतलब हिंदुओं के हित में काम करती थी, और ये सभी का कारण था वोट बैंक, वोट को लेना और सत्ता पे काबिज होना। तो बीजेपी 2019 में जब चुनाव जीत के आती है दोबारा, तो क्या करती है, बहुत बड़ा काम किया बीजेपी की 370 और 35 से हटा दिया, ठीक है। और इतना अमित शाह बोला जाता था कि फर्म में आ गए हैं, बहुत ही उनका भाषण केवल और केवल मुसलमान के विरुद्ध में ही देखने को मिलता था और हिंदुओं के हित में देखने को मिलता था। वो बोलते थे कि अब कोई भी हिंदू पाकिस्तान का, सब पाकिस्तान में प्रताड़ित हिंदू भारत में आकर के रह सकते हैं, CA लागू किया गया, ठीक है। फिर बोला गया कि NCR की NPR होता है ये किया जाएगा, जो भारत में घुसपैठिए है उनको बाहर धकेल दिया जाएगा, ये सभी करने के लिए बोला गया, ठीक है, अमित शाह के द्वारा। तो साथियों यहाँ पे देखिए, बहुत दिनों तक तो कुछ नहीं हुआ, ये सभी मामला होते रहा, राम मंदिर भी बन गया, कोई देश में दंगा फसाद नहीं हुआ, सारा कुछ स्मूथली चल रहा था। फिर कांग्रेस पार्टी बोलती है, मुसलमानों से आह्वान करती है कि आप सभी घर में बैठे क्यों हैं, रोड पे आइए, हम आपके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन करती है, और कांग्रेस का तर्क था कि ये सब बीजेपी करवा रही है, वो दंगा करवा रही है या फिर गलत कार्य कर रही है, ये कांग्रेस का ही था कहना था कि जम्मू कश्मीर से 370 हटा तो इससे जम्मू कश्मीर की आज़ादी छीन गई, ये कांग्रेस का तर्क था। लेकिन बिल्कुल गलत तर्क है, क्योंकि एक देश है, एक राष्ट्र है, एक संविधान होना चाहिए और एक झंडा भी होना चाहिए। तो कश्मीर के लोग तिरंगा फहराते ही नहीं थे, और सब कुछ उन्हें चाहिए भारतीयों से, और जो वहाँ के सब नेता लोग जहर भर देते हैं, ठीक है, सब कुछ चाहिए भारतीयों से, और वो अभी भी मन में पाकिस्तान से मिलने का सोचते हैं, तो कितना गलत बात है बताइए। वो वैसी जी है, वो समझदार है, वो समझते हैं कि क्या है कि पाकिस्तान तो अपने कंगाल है, आटा भी वहाँ पे बड़ी मुश्किल से मिलती है, 400-500 रुपये। तो वैसी का कहना है पाकिस्तान को वो गाली देते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन वो कुछ उल्टा ही है, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को ही पाकिस्तान बना दिया जाए। तो वैसी बहुत ही चालाक है, और जो कश्मीरी सोचते ये होंगे कि हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे, तो वो मतलब उनका सोच वो वैसी के बड़े माइंडसेट के सामने छोटा है, ठीक है। यहाँ पे ओवैसी का ये भी कहना था कि जो भी, मेरा मानना है कि जो भी जन्म लेता है, जो भी संसार में व्यक्ति जन्म लेता है, वो जन्म से मुसलमान होता है, ये ओवैसी का कहना था। क्यों कहना था, क्योंकि वो देश में फेमस हो जाए, एक तो मीडिया वाले उन्हें कवर करेंगे, फिर ये सुन के सारे मुसलमान लोग खुश हो जाएंगे, जरे हमारे हित का, मुस्लिम हित के लिए कितना बड़ा नेता आ गया है कि बोल रहा है कि हर एक हिंदू या फिर हर एक व्यक्ति जन्म से मुस्लिम ही होता है, बाद में वो भले ही हिंदू बन जाए, सिख बन जाए, कुछ भी बन जाए। तो एक वर्ग को खुश करने के लिए था। तो यही बात कहना चाहता हूँ कि वोट को और वोट बनाने के लिए, दे मीडिया में फेमस होने के लिए और वोट बैंक पाने के लिए ये सारे लोग गलत कार्य भी इसलिए करते हैं और अच्छे कार्य भी इसलिए करते हैं। अब एक देखने में आया है कि अखिलेश यादव जी रामचरितमानस का विरोध करते हैं, क्यों करते हैं, बिहार के गृह मंत्री है चंद्रशेखर, गृह मंत्री माफ़ कीजिएगा, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, वो भी रामचरितमानस का हिनाई करते हैं, ये सब क्यों करते हैं, ये सभी एक वर्ग को खुश करने के लिए करना चाहते हैं, और मैं गलत ना हूँ तो यह मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं, मुसलमानों को यह कहना चाहते हैं कि आपका धर्म बहुत ही अच्छा है, हिंदू के धर्म में तो बहुत बुराई है, यानी मुसलमान लोग खुश हो गए, और मुसलमान खुश हुए तो ये कहेंगे कि वाह, ये हमारे हित का बात करने वाला है, इसलिए इन्हीं को वोट दिया जाए। लेकिन असल में यह
किन्हीं का नहीं होते हैं, ये अपने आप के होते हैं। जैसा कि प्रशांत किशोर जी का कहना है, जो प्रशांत किशोर का कहना है कि लालू जी कहते हैं कि यादव को वोट नहीं दे, बोलते हैं कि हमारे बेटा को वोट दो क्योंकि हम यादवों का विकास करेंगे, लेकिन क्या यादवों का नौकरी दिए, रोजगार दिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि उनका बेटा नौमी फेल है और उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और फिर उसे मुख्यमंत्री भी बना दिया जाएगा। मतलब केवल अपने बेटा का विकास चाहते हैं लालू यादव जी, न कि पूरे यादवों का ही। ठीक उसी प्रकार से ओवैसी भी हो, ओवैसी कहता है चाहे कोई भी, जाप लोग दंगा कीजिए, पत्थर बरसाइए, तो क्या ओवैसी सचमुच में हितैषी रहता तो खुद आगे जाकर के पत्थर मारता? ओवैसी खुद सबसे बड़ा हितैषी रहता तो अपने बाल बुतरू को, बच्चे जो उसके विदेश में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े लंदन में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चे को भेजते हैं जो रोड पे विरोध करो? नहीं, ये लोग देखिए, लोगों में जहर बो देना और अपने को बड़ा बनाना, अपने को फेमस करना और लोगों को जहर बो करके उनसे, उन्हें जेल में भिजवा देना, उन्हें मरवा देना, ये सब करना, दंगे भड़काना नेता लोग करते हैं, लेकिन अपना उनका केवल फ़ायदा होना चाहिए। कोई भी सच्चा हितैषी किसी का नहीं होता है। अब बीजेपी फर्म में थी 2019 में, बहुत फर्म में थी। मैंने बताया कि 4-5 कानून ला दिया, CNS 370, NPR, NCR, किसान कानून, किसान आंदोलन किए, मतलब किसान पला बिल जो 3 बिल थे वो, तो ये सभी तो था, लेकिन उनका बीजेपी कांग्रेस के कहने पे मुसलमान लोग पूरे भारत भर में जुलूस निकाले, तोड़फोड़ किए और हर एक शहर में, कहा जाए जो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा बिहार के चाहे पूरे इंडिया का, जहां मुसलमान लोग यहां पे 370 या फिर NPR NCR जो भी हो उस कानून का विरोध करने के लिए बाहर नहीं आए हो। तो इस प्रचंड विरोध को देख करके बीजेपी डर गई, और यहाँ पे बीजेपी डरी नहीं, जिसके हाथ में सत्ता हो वो डरती नहीं है, ठीक है, जिसके हाथ में पुलिस का कंट्रोल हो डरती नहीं है, वो डरती तब है जब उसका वोट बैंक खतरे में चला जाता है। देखिए, बीजेपी ने सोचा कि मैंने राम मंदिर का फैसला दिलवाया, इसे कोर्ट ने दिया, लेकिन इसका क्रेडिट बीजेपी ने ले लिया, और उसके जस्ट बाद जैसे राम मंदिर का फैसला आया तो बीजेपी को तो चाहिए कि इतना बड़ा हिंदुओं का कार्य करने वाला पार्टी कोई बन गया है तो इस फैसले के कारण ऐसा होना चाहिए था कि पूरे भारत में बीजेपी का सरकार आ जाती, क्योंकि न जाने राम मंदिर से हिंदुओं को इतना प्रेम था, इसे बन जाने के लिए इतना चाहते थे हिंदू लोग, और जब फैसला आ जाती है तो पूरा होना चाहिए था कि सारे लोग आँख मूंद के बीजेपी का समर्थन करते, लेकिन वही बोला जाता है कि हिंदू एकजुट नहीं होता है, हिंदू आपस में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं, इसका फायदा, इसका घाटा हिंदुओं को ही उठाना पड़ेगा। और इसका परिणाम तब देखने को मिला जब बीजेपी झारखंड में, वहाँ बीजेपी का सरकार था, ठीक है, और वहाँ फिर चुनाव हुआ 20 में या फिर 21 में चुनाव हुआ, तो वहाँ पे बीजेपी अकेले लड़ती है पूरा योगी जी से, या फिर बड़े बड़े जेपी नड्डा, गृह मंत्री मोदी जी, सभी से चुनाव रैली करवाया जाता है। और वहाँ क्या होता है कि वहाँ जो कांग्रेस थी या फिर वहाँ का जो क्षेत्रीय दल हेमंत सोरेन का पार्टी था, वो सभी एक मिल के लड़ा और बीजेपी अकेले लड़ा, ठीक है, और वहाँ पे बीजेपी को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वहाँ पे चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि राम मंदिर का फैसला आया है और बोला जाता है कि राम मंदिर का फैसला बीजेपी ना होती तो कभी नहीं आता। तो हिंदुओं में कमियाँ देखिए, मंदिर बना और उसके जस्ट बाद बीजेपी चुनाव हार जाती है झारखंड का। वहीं पे महाराष्ट्र की बात है, वहाँ पे बीजेपी शिवसेना के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती है, चुनाव तो जीतती है लेकिन
शिवसेना कहने लगती है कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री रहने देना होगा, और इसलिए बीजेपी को पुनः वहां से शिवसेना धोखा देने के कारण कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर के सरकार बना लेती है। तो बीजेपी एक तरह से बहुत कुछ डिटेल्स में घुसी तो उसे ये पता चला कि हिंदुओं के हित का काम करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हिंदुओं को तो चाहिए, बहुत ही कम लोग होते हैं जो धर्म के प्रति सचेत रहते हैं, हिंदुओं को चाहिए कि उसे फ्री में राशन मिले, रोजगार मिले, बेटा का नौकरी मिले, घर परिवार बहुत अच्छा से चले, मतलब रोजगार, रोजगार का जो कांग्रेस अभियान चलाती है वो बहुत ही बड़ा इफेक्टिव है। और हिंदुओं का एक बहुत बड़ा समूह ये मानता है कि बीजेपी केवल हिंदू मुसलमान करते हैं और रोजगार नहीं देते हैं, ये बहुत बड़ा लोगों का मानना है हिंदुओं में। तो इसलिए हिंदुओं में बहुत सारे लोग मान चुके हैं कि बीजेपी रोजगार नहीं देती है, इसलिए उन्हें वोट नहीं देना है। और क्षेत्रीय पार्टी तो होती है, जैसे अब बहुत सारे लोग यादव जी का समर्थन कर दिए, तेजस्वी जी को सबसे ज़्यादा सीट दे दिए बिहार में, वही यूपी में अखिलेश यादव जी पर, उन पर भ्रष्टाचार का बहुत सारा आरोप लगा, फिर भी वो सबसे बड़े सेकेंड नंबर का पार्टी है, ठीक है। और हो सकता था कि वो चुनाव 2022 का हारे भी है अखिलेश यादव, तो वो इसलिए हार गए कि उनका वोट बैंक बहुत था, उन्हें लगभग 30% वोट मिला होगा, चाहे 40% तक भी मिला होगा, लेकिन ये है कि सीट फिर भी वो 140 के करीब जीते हैं, लेकिन वो जो सीट था, मतलब वोट बहुत मिला है उनको, मतलब अब बीजेपी लड़ रही है और अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि बीजेपी लड़ रही है तो बीजेपी जीत गई तो अखिलेश यादव को वोट ही नहीं मिला। मान लेते हैं बीजेपी 50,000 वोट आई और जीत गई, तो यहाँ पे अखिलेश यादव को भी 40,000 वोट मिले। तो इसलिए ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी जीत गई तो अखिलेश यादव जी का वोट मिला ही नहीं, नहीं बिल्कुल मिला, और बहुत कांटे का टक्कर हुआ। भले ही आंकड़ा आपको 150 और 250 में दिख रहा हो, लेकिन कांटे का टक्कर हुआ। अगर वोट को गिना जाए तो उसका परसेंटेज निकाला जाए तो 60-40 में ही अंतर हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से बीजेपी जो है वो दिल्ली हार जाती है, वहाँ केजरीवाल जीत जाते हैं। तो यहाँ पे बीजेपी को लगा कि मैंने जो हिंदुओं के लिए काम किया वो तो मुझे कुछ उसका फायदा मिल ही नहीं रहा, तो इसलिए इसलिए जो आज तक चला आ रहा था एक प्रथा जो लालू यादव से ही चला रहा है, चाहे कांग्रेस से ही चला रहा है, कि एक वर्ग जो 20% पूरे देश में, या फिर आप कह ले तो 20 से 30%, या फिर आप कह ले किसी राज्य में 40% मुस्लिम वर्ग का जो वोट है उसे पाने के लिए न जाने नेता लोग क्या से क्या कर देते हैं। अब पहले लालू यादव ने किया, ठीक है, फिर नीतीश जी किए, मुसलमानों के हित के लिए बहुत सारा योजना ला देना, ये ला देना, वो ला देना, ठीक है, क्या बोलते हैं, लालू यादव जी मुसलमान और यादवों का वोट से ही जीतते थे, नीतीश जी आए तो उनकी सत्ता भी मिली तो वो भी मुसलमानों का वोट लेकर के ही जीते, वो भी ईद होता था तो चले जाते थे और टोपी पहन करके सेवैया खाते थे। तो इससे हर एक को ये साबित करता था कि मुसलमान वर्ग के हम साथी हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें एक गुच्छे में 20% वोट चाहिए, एक गुच्छे में, अगर क्योंकि मुसलमान लोग एकजुट होते हैं, किसी को समर्थन करते हैं तो संपूर्ण रूप से करते हैं, और हिंदू लोग बटे होते हैं। तो यही कारण है कि बीजेपी जो हिंदू का समर्थन करती थी, हिंदुओं के हित का बात करती थी, वो 3-4 राज्य का चुनाव हार जाती है तो उन्हें पता चला कि मैं जिस लिए हिंदुओं का समर्थन कर रहा हूँ, हिंदू तो हमें उस केस पे बहुत सारे देते हैं लेकिन संपूर्ण वोट हिंदुओं का नहीं मिलता है बीजेपी का, एक आधा वर्ग बीजेपी का समर्थन नहीं करती है, हिंदू वर्ग भी, तो इसलिए वो मुसलमानों का वोट लेने के लिए अब अपना जो यू टर्न होता है लेना, आप लेफ्ट थे वो पूरा राइट में शिफ्ट हो गए, राइट थे लेफ्ट में शिफ्ट हो गए,
अब बीजेपी हिंदुओं का समर्थन करना छोड़ चुकी है। क्यों? वो जान चुकी है कि हिंदू तो आपस में बटे हुए हैं और बहुत सारे लोग को रोज़गार चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, हमें तो वोट देंगे नहीं, और मैं उसके लिए क्यों, धर्म के लिए क्यों उसके लिए आवाज़ उठाऊँ जब वो हमें हराते जा रहे हैं, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए बीजेपी यू टर्न लेते हैं और क्या करते हैं, तो मुसलमान के हित में काम करना शुरू कर देते हैं। और काम कैसे शुरू करना शुरू कर देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो पहले बीजेपी कहती थी कि हम हिंदुओं का पार्टी है, वो अब कहने लगी कि हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास चाहते हैं, और वह अब अपने आप को हिंदू का पार्टी कहने से डरने लगी है। वो कहती है कि ये देश का संविधान सेकुलर है और हम सेकुलरता पे ही विश्वास करते हैं, और बीजेपी मुस्लिम हित में काम करना शुरू कर चुकी है। मुस्लिम हित में क्या क्या काम करती है वो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले वो मतलब बहुत सारे लोग कोर्ट से या फैसला करवाए, कोई वकील जी हैं उन्होंने यह फैसला करवाया कि आप सभी ये मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दीजिए, ठीक है, लेकिन उस राज का क्या जहाँ पे हिंदू कम है, उस राज में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दीजिए। ये नहीं कि कास्ट के अनुसार आप, कास्ट का धब्बा लग गया है उसे आप अमीर कह दें, और कास्ट का धब्बा लग गया है तो उसे आप गरीब कर दें, कास्ट का धब्बा लग गया है तो उसे आप अल्पसंख्यक कह दें चाहे वो बहुलता में ही क्यों ना हो। तो कोर्ट से यह फैसला हुआ कि आप सभी को, हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक का दर्जा देना है जहाँ पे हिंदू का जनसंख्या कम है अन्य कैटेगरी की अपेक्षा। तो बीजेपी ने क्या किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये आप कर सकते हैं लेकिन ये फैसला राज्य सरकारों के हाथ में, राज्य सरकार चाहे तो ये कर सकती है। तो बीजेपी अगर सचमुच हिंदू का हितैषी रहता तो जिस जिस राज्य में बीजेपी का सरकार है वहाँ पे हिंदू की अल्पसंख्यक में है वहाँ पे अल्पसंख्यक का दर्जा हिंदुओं को मिल जाता। लेकिन बीजेपी खुद कोर्ट से फैसला आने के बाद भी बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि इससे मुसलमान वर्ग नाराज हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों का यह कहना था कि मोदी जी है वो गुजरात में मुसलमानों को मरवा दिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मुसलमान लोग साधु संतों से भरी ट्रेन को जला तो देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बीजेपी या फिर नरेंद्र मोदी का कोई हाथ नहीं था कि उन्होंने, बोला जाता है कि सैनिक को समय पे नहीं भेजे, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोर्ट ने भी यह फैसला दे ही दिया है। और तो और बोला जाता था कि राम मंदिर का फैसला बीजेपी सरकार से ही आई है, तो ये बिल्कुल गलत है। राम मंदिर का जो फैसला है वो तो कोर्ट ने दिया, सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए दिया, बस बीजेपी क्रेडिट ले रही थी, क्रेडिट ले रही थी। और तो और बोला गया कि 370 हटा, तो 370 हटने से क्या हुआ? आज भी बिहारी अगर जाते हैं कश्मीर में तो उन्हें मार दिया जाता है। वहाँ का एक आतंकवादी संगठन है, वो सभी वहाँ के अफसर को भी चुन चुन के मार देते हैं। कोई जैसे हिंदू अफसर गए वहाँ पे, उनको जम्मू कश्मीर में काम दे दिया गया, तो उन हिंदू अफसर को भी मार दिया जाता है, और डर पैदा कर दिया गया है। अब कोई लोग कश्मीर में 370 हट जाने के बाद भी जा नहीं सकते हैं, ठीक है। और वहीं पे मैं बीजेपी का पोल खोल रहा हूँ, बंगाल में जिसने बीजेपी ने खूब डिंगे हाके कि हमारी सरकार बन रही है, ये हो रही है, वो रही है, हमारी सरकार आएगी तो हम सभी को दंड देंगे, सभी ममता बनर्जी को घुमा फिरा के, तो उनका यही कहना था कि जेल में डाल देंगे जो उपद्रवी है, जो गुंडाई है, उन सभी को जेल में डाला जाएगा, सबका हिसाब लिया जाएगा, जो घुसपैठिए है उनको बाहर निकाला जाएगा, ये सभी उनका कहना था। बीजेपी का पूरा डिंगे हाँक रही थी कि बीजेपी का कार्यकर्ता मर रहे थे, तो वो भी कह रही थी, कह रहा था अमित शाह कि हम सभी का हिसाब लेंगे, लेकिन वही बीजेपी हार जाती है बंगाल का चुनाव, तो इतना ज़्यादा आगजनी होती है बंगाल में, जो बीजे
टीएमसी को वोट नहीं दिया गया था, जो ममता बनर्जी को वोट नहीं दिए थे, उन सबों की लगभग लगभग हत्या कर दी गई और सभी लोग घर छोड़ के भाग गए जो बीजेपी का समर्थन किए थे कि बीजेपी हमें बचाएगी और बीजेपी का सरकार भी है। तो लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित समझ रहे थे, घमंड कर रहे थे कि हमने बीजेपी को वोट दिया है, हमें बहुत कुछ, मैं जैसे मैंने भगवान को ही वोट दे दिया है, मुझे अब कुछ नहीं होगा। लेकिन बीजेपी क्या करती है, चुनाव हारती है और वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेके भाग जाती है, कुछ नहीं करती है। वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, जो बीजेपी को वोट दिए थे वो भी मारे गए। क्यों, और बीजेपी ऐसा क्यों नहीं की, क्योंकि उसे केवल और केवल वोट बैंक से प्यार है, वोट बैंक चाहिए। सरकार बनती तो वो कुछ करती, नहीं बनी तो नहीं करेगी, ठीक है। वही बिहार में बोला जाता है कि लालू जी का, नीतीश जी कुछ नहीं किए, तो नीतीश जी के साथ साथ तो बीजेपी भी तो भोग विलास कर रही थी, सत्ता में थी, तो बीजेपी ने भी तो बिहार में कुछ नहीं किया, ठीक है। उसी प्रकार से मैं आपको उत्तराखंड का बतलाना चाहता हूँ। वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे धामी जी हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने चुनाव जीतने के लिए घोषणा किया कि हम एक कानून लाएंगे, एक देश एक संविधान लाएंगे, सबके लिए एक कानून होगा। और चुनाव से पहले घोषणा किया, चुनाव हुआ, उनकी सरकार जीत गई, तो जो कमेटी उन्होंने बैठाया था उसको भेज दिया। मतलब हिंदुओं के हित के काम करने के लिए वोट मांगती है बीजेपी की, मैं आपके लिए काम करूंगा, आप पहले वोट दीजिए। हिंदू हित में अगर सचमुच करती तो जब उसका सरकार था उसी वक्त एक देश एक कानून ला सकती थी। बीजेपी अगर सचमुच हिंदुओं का हित ऐसी होती तो बीजेपी के शासनकाल में ही गाय का सबसे ज़्यादा हत्या हो रही है। जो गाय का एक्सपोर्ट है, बीफ का, वो कांग्रेस के समय में भी जितना नहीं था उतना अधिक बीजेपी के राज्यों में हो चुका है, शासनकाल में हो चुका है। पूरे देश विदेश में, विदेश में काऊ का या फिर बीफ का जो एक्सपोर्टेशन हो रहा है वो सबसे ज़्यादा बढ़ गया है बीजेपी के शासनकाल में। तो बीजेपी कैसे अपने आप को, बस एक चोला ओढ़ी हुई है कि हम हिंदुओं का है, लेकिन हिंदुओं का पार्टी नहीं है। और वही आप, मैं सच्चाई बताऊँ काशी कॉरिडोर का, तो काशी कॉरिडोर में क्या होता है, तो वहाँ पे केवल और केवल पैसा कमाने के लिए, केवल और केवल अपना सरकार का जो खजाना होता है उसे भरने के लिए बीजेपी ने वहाँ पे जितना सारा पुराना मंदिर था सब पर बुलडोजर चलवा दिया, सब पर, और एक अच्छा सा एकदम सुहावना सा बना दिया है, देखनगर एक बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया है। तो जो बोला जाता है कि हमारा मंदिर पुराना सब पुराना मंदिर पूजनीय होता है, उसे कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, उन मंदिरों पर बुलडोजर चलवा करके जो हमारी संस्कृति मंदिरें थी उन सबको आप तोड़ करके बनवा रहे हैं। एक मंदिर आप नहीं बनवा रहे हैं, एक क्या बोला जाता है उसको, तीर्थ स्थल को आपने एक स्थल बना दिया, पार्क बना दिया, ठीक है, जहाँ पे लोग केवल घूमने जाएंगे, फोटो खींचेंगे, टिकट लेंगे, और इससे सरकार का खजाना बढ़ेगा। तो बस ये मामला था। और मतलब बीजेपी अगर हितैषी रहती तो कोर्ट का कितना सारा हिंदू के पक्ष में निर्णय आया, वही शिवलिंग जो मिले ज्ञानवापी मंदिर से, बीजेपी ने क्या किया, कुछ नहीं किया। सारा कुछ तो जो वकील थे, वैष्णव करके नाम था उनका, विष्णु जैन, उन्होंने किया। और अब योगी सरकार ही चाह रही है कि वो, मतलब वो मंदिर ना बने, ठीक है, और वो योगी सरकार ही उसे रोक के रखी हुई है, न तो अभी तक तो फैसला आ भी जाता, चाहे जो भी कुछ हो, मतलब ये आप समझिए कि योगी सरकार ही रोकी हुई है। जो रामचरितमानस पे बहुत कुछ हुआ, तो योगी जी चाहते तो उसके घर पे बुलडोजर चलवा सकते थे और उसे जेल में भी डाल सकते थे, लेकिन योगी जी चाह रहे हैं कि नहीं, अपने आप को एकदम गरीब दुखिया बता रहे हैं कि मेरे हिंदू के खिलाफ साजिश हो रहा है,
और ये तब कुछ करेंगे जब इनका चुनाव नज़दीक आएगा, तो ऐसे वो कुछ नहीं करेंगे। और एक और बात ये रही कि मुसलमानों के प्रति बीजेपी का समर्थन क्या है, तो वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। बीजेपी क्या करती है, बीजेपी सरकार मुसलमानों को खुश करने के लिए पहले तो NCR, NPR, 370 ये सब जो कुछ भी ढकोसला था सब बैठ गई है, वो कुछ भी नहीं हुआ है। 370 नाम के लिए हट गया, बीजेपी क्रेडिट ले ली, और आज तक वहाँ कश्मीरी पंडित बसे नहीं बसे जिन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था, वो बसे नहीं बसे। आजकल आप जाइएगा कश्मीर तो क्या आप ज़मीन खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे आज भी। तो यही मामला रहा। और बीजेपी को बोला जाए तो मुसलमानों को खुश करने के लिए क्या करती है, तो एक कोई योजना लाई है, एक योजना लाई है क्या, तो उस योजना का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उस योजना में देखिए मुसलमानों को खुश करने के लिए अगर कोई मुस्लिम लड़की, अगर कोई मुस्लिम लड़की इंटर के बाद ग्रेजुएशन करती है, उन्हें 50-50 हज़ार रुपये फ्री में दिया जाएगा। ये तो मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, सारा पैसा ग्रेजुएशन का सरकार देगी। और ये योजना केवल लागू किया है बीजेपी सरकार ने मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए। तो ये कितनी बड़ी बात हो गई, हिंदुओं के साथ धोखा। लाई है एक योजना, अब लड़कियों को दिया जाता तो माना जाता, लेकिन एक लाई है कि केवल और केवल मुस्लिम लड़की ही अगर इंटर के बाद ग्रेजुएशन करती है तो उसे पैसा दिया जाएगा। ये तो ऑलरेडी है बिहार सरकार, बिहार में, कि ग्रेजुएशन पास करने वाले सारे लड़कियों को 50-50 हज़ार मिलेगा, इंटर पास करने वाले सारे लड़कियों को 25-25 हज़ार मिलेगा, मैट्रिक में तो लड़का लड़की दोनों को 10-10 हज़ार मिलेगा। लेकिन बीजेपी उस योजना का नाम मैं भूल रहा हूँ, केवल और केवल मुस्लिम लड़कियों के लिए लाई है कि उनको उस योजना का लाभ मिलेगा। ग्रेजुएशन मुस्लिम लोग करवाएंगे अपनी बेटी को तो उन्हें लाख रुपया मिल जाएगा। तो बीजेपी मुस्लिम लोगों का वोट लेने के लिए कर रही है। और बीजेपी जो पहले अपने आप को हिंदू का पार्टी कहना कहती थी, अब वह अपने आप को हिंदुओं का पार्टी कहना छोड़ चुकी है। वो कहती है कि यह देश सेकुलर है, सबका पार्टी है। और समय आने पर बीजेपी ये भी करेगा कि वह कांग्रेस की तरह अपने आप को मुसलमान का पार्टी भी घोषित करना शुरू कर देगा। तो ये है सारा सच्चाई, ये है सारा सच्चाई। और मतलब धोखा ही मिला है। तो यही बोला जाए कि कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो वोट बैंक और अपने फायदे के लिए ही काम करती है, बीजेपी ही नहीं, सारे पार्टी अपने ही के लिए, फायदे के लिए काम करती है। उसे जहाँ से वोट मिले उसके हित में वो काम करना शुरू हो देगी, कर देगी। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, NCR NPR तो ये बंद हो ही गया, जो ये कहा गया था कि 2014 से पहले जितने भी पाकिस्तान से प्रताड़ित हिंदू आ गए हैं उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी, कितना बड़ा क्रेडिट बीजेपी ने ले लिया, और इसके चलते मुसलमान लोग बहुत दंगा भी किए। और असल में क्रेडिट बीजेपी को मिल गया, लेकिन बीजेपी ने उन लोगों को आज तक नागरिकता नहीं दी। मतलब वो आज भी बहुत ही उदास से वो एक विदेशी की भांति वो लोग रह रहे हैं जो पाकिस्तान छोड़ के भारत आए थे। और बीजेपी अपने आप को हिंदू हितैषी पार्टी घोषित कर ली, लेकिन आज तक उन लोगों को नागरिकता नहीं मिली है, वो उसी प्रकार से गर्त में जी रहे हैं। आज कोई भी हिंदू अगर कोई अंट शनाप बोल देता है तो वह जेल में सड़ जाता है, बीजेपी की सरकार ही उसे जेल में डाल देती है। और कोई, आपको पता ही है कि मुस्लिम धर्म के लोग सड़क पर सरतन से जुदा का नारा लगाते हैं, और कोर्ट भी मतलब उधर का ही है, लेफ्ट वाले माइंडसेट से ही है, हिंदुओं के प्रति कुछ भी हो तुरंत निर्णय,